इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चलो बिस्तर तैयार है। बिस्तर तैयार है तुम्हारा? चलो बाय। आज से तुम इन्हीं के साथ रहोगी, अच्छे से रहना, तो शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे। निखिल, पिंकी तो आई है आज। अरे क्या बात कर रहा है यार। यार पता है क्या, पिंकी की पिंक स्कूटर पे ना मैं अपनी जान दे दूं। यार सच में आज पिंकी से उसके स्कूटर की राइड लेते, मजा आएगा। हाँ आ गई पिंकी देख। हाय पिंकी, कैसी है पिंकी? लगता है पिंकी नाराज है। ओ लगता है सिर्फ पिंकी नहीं, पिंकी का स्कूटर भी नाराज है। आप लोग मुझे पिंकी पिंकी मत बुलाइए, मेरा नाम राजीव है। पिंकी की स्कूटी स्टार्ट हो गई। पिंकी यार तेरे स्कूटी राइड लेते हैं, ठीक है? हाथ मत लगाइए। यार क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? साइड आ, चल जाने दे। देख गुस्से से पिंकी के गाल कितने पिंक हो गए हैं। हाँ यार सच में बहुत पिंक हो गए हैं। हाथ मत लगाइए बेटा। वरना क्या क्या कर लेगा तू? वरना क्या बात, मैं कब कर दूंगा, मैं बोल रहा हूं। रुका रुका रुका, तू बस यही बाकी रह गया, किसी काम के तो हो नहीं, ऊपर से मार खा कर आ रहे हो। अरे किससे झगड़ा किया? क्लास के दोस्तों ने। मैंने कुछ नहीं किया पापा, वो लोग मुझे पिंकी पिंकी बुला रहे थे, मैंने बस चिल्लाया तो उन लोगों ने मुझे मारा। भगवान ने तुम्हें तो हाथ पैर दिए नहीं ना। मैं सब वो पिंक स्कूटर के वजह से बोला। क्या जोर से बोल पापा, ये सब वो पिंक स्कूटर की वजह से है। खुद तो कुछ करता नहीं है और दोष स्कूटर को दे रहा है। अरे कैसे पैदा हो गया इस घर में ये? पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का। ना नौकरी करता है, ना पढ़ाई करता है, बस हमारी छाती पर बैठकर मुंह गलता रहता है। और बिजनेस करना? बिजनेस करेगा? अक्ल है बिजनेस की? आपसे ज्यादा राजीव। गुस्से से पिंकी के गाल कितने पिंक हो गए हैं। हाँ यार सच में बहुत पिंक हो गए हैं। किसी काम के तो हो नहीं, ऊपर से मार खा कर आ रहे हो।
राजीव, अजीब पागल हो गया तू, पागल हो गया तू, क्या कर रहा तू? हाँ अरे पता नहीं कौन सा दिन था जब तू पैदा हुआ। पापा, मम्मी, देखा आज मैंने अपने हाथों का सही इस्तेमाल किया। बचपन से आप लोगों को मुझ पर शिकायत थी, आज मैंने सारी शिकायतें दूर कर दी। आप दोनों ने हमसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। खुले में दिक्कत हो रही होगी ना, मैं आप मेरे लिए बिस्तर का बंदोबस्त करती हूँ। आप दोनों हमेशा ये चाहते थे ना कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। टेंशन मत लीजिए, आपके सारे प्रॉपर्टीज बेच के मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। आप दोनों ना हमेशा मुझे निकम्मा बोलते। पापा पहले आप, मम्मा मैं ना ये आपकी बहू के लिए रख रहा हूँ आशीर्वाद के तौर पर, ठीक है? चलो मेरी फिक्र मत कीजिए, हाँ टेंशन मत लीजिए, ये घर और ये जमीन मैं नहीं बेचूंगा। मुझे पता है आप दोनों की यादें जुड़ी हुई है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, आते रहूंगा मिलने। जी बहुत लेट हो गया है। राजी चलो ना, दीदी की बस आ गई होगी। क्या हुआ राजी? ये तुम्हारे लिए। टर्न हो जाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। आई थिंक हमें हमारे बारे में एक दूसरे की फैमिलीज को बता देना चाहिए। हमें 4 महीने से ज्यादा हो चुके एक दूसरे से मिले हुए। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेट्स गेट आवर फैमिलीज इन्वॉल्व्ड। इनफैक्ट आई डोंट थिंक हमें आज ही तुम्हें अंजलि दीदी से मिला देती हूँ। वक्त तारे पे सबको बता देंगे।
पता नहीं तुम हमारे रिलेशनशिप को इतना सीक्रेटली क्यों रखना चाहते हो। तुमने अब तक मुझे अपनी फैमिली से भी नहीं मिलवाया है। देखो नेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो। तुम यूएस जाना चाहती हो ना, आगे बढ़ना चाहती हो, तो सारे प्लान उसी के मुताबिक होंगे ना। मैंने यूएस में अपने एक दोस्त से बात किया, वो वहाँ पे 7-स्टार होटल में एचआर है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट भेज दिए, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम्हारा असिस्टेंट मैनेजर का जॉब पक्का है। फिर हम दोनों यूएस चले जाएंगे। मेरे मॉम डैड तो वही रहते हैं, उन्हीं के साथ में। रियली राजीव, आई लव यू। आई लव यू टू। लगता है अंजलि दीदी आ गई। हाँ दीदी बोलो ना। नेहा कहाँ हो तुम? मैं पहुँच गई हूँ। अरे दीदी वो क्या है ना, मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। आप एक काम करो, अब वहाँ से ना मेन रोड पे आ जाओ, मैं अभी पहुँच रही हूँ बस। अच्छा ठीक है, मैं बाहर की तरफ ही आ रही हूँ। कैसी है? कैसे आप? मैं अच्छी हूँ, लाओ। ये कौन है? अरे कोई नहीं दी, शहर में नया है, रास्ता भूल गए थे, मैंने बता दिया, मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। दी एक मिनट। थैंक यू, बाय। 2 महीने हो गए तेरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हुआ और अभी तक तेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। मेरी बात मान, मेरे साथ इलाहाबाद चल, मैं अपने स्कूल में तेरी अच्छी जॉब लगवा दूंगी। दी मैं होटल मैनेजमेंट करके टीचर की जॉब क्यों करूं? और वैसे भी मुझे स्मॉल टाउन में नहीं रहना है, मुझे अमेरिका जाना है, दुनिया देखनी है। तेरी इंडिया में तो जॉब लग नहीं रही है, अमेरिका में मिलेगी तुझे जॉब? वैसे भी सारे रिश्तेदार अब बातें बनाने लग गए कि उसके पास अगर जॉब नहीं है तो वो लखनऊ में कर क्या रही है। देखना दी, जब मुझे जॉब लग जाएगी सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। नहीं नहीं, बस अब बहुत हो गया। मैं वीकेंड पे आई इसलिए हूँ कि तुझे अपने साथ लेके जाऊं, माँ भी यही चाहती है। दी दी प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। अच्छा कितना टाइम चाहिए? 2 महीना पक्का। अगर ये 2 महीने में कुछ नहीं हो पाया ना तो आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। पक्का? पक्का। क्या हुआ, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? राजीव, दी ने मुझे सिर्फ 2 महीने का वक्त दिया, कहा कि इन 2 महीने में अगर कुछ नहीं हो पाया तो मुझे इलाहाबाद जाना पड़ेगा। तुम प्लीज अपने दोस्त से बात करवा के जल्दी कराओ ना कुछ। इतनी सी बात, मैंने अपने दोस्त से बात कर लिया, 1-2 दिन में ऑफर लेटर आ जाएगा। मम्मा, आपके बहू का ऑफर लेटर, यूएस में जॉब मिला है उसे। आई एम सो सॉरी, तो बोलना है बोल गया। आपके बहू का नाम नेहा है। हाय राजीव। हाय, कम कम। नाइस हाउस राजी। अब बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या है? ओह माय गॉड, मेरा ऑफर लेटर न्यूयॉर्क के होटल चेन का हो भी। राजी पर राजीव, हम तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ना। मैं भी तो रहूंगा वहां पे। मतलब ये है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं भी तुम्हारे साथ यूएस आ रहा हूं। यानी कि अब मैं अपनी फैमिली को सब कुछ बता सकती हूँ ना? काम के बारे में? हाँ, हमारे बारे में अभी नहीं। तुमने अपने पेरेंट्स को बताया हमारे बारे में? Obviously. तो हम वीडियो कॉल कर सकते हैं अभी? अभी नहीं, यूएस चलते हैं, वही मिलवा देंगे। सरप्राइज फॉर देम, यू नो। ओके। नेक्स्ट वीक को फ्लाइट है हमारा, टिकट्स वगैरह ये सब मैं इंतजाम करूंगा, तुम तैयार हो जाओ। राजीव आई लव यू। ब
बचपन से हीन भावना से ग्रसित राजीव को सामाजिक और पारिवारिक तानों बानों ने मानसिक रूप से विकृत बना दिया। अपने माता पिता की हत्या के बाद अब वो एक नए शहर में आकर बस चुका था, जहां उसे नेहा नाम की लड़की से प्यार हो गया। नेहा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जो राजीव के प्यार में इस कदर अंधी हो गई थी कि बिना सोचे समझे उसकी हर बात पर भरोसा कर रही थी। लेकिन राजीव के मंसूबे क्या थे ये समझना बहुत ही मुश्किल था। क्या वो नेहा से प्यार करता था? क्या सच में वो नेहा के साथ अमेरिका जाकर सेटल होना चाहता था, या उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिससे नेहा पूरी तरह अनजान थी? माँ, ये देखो मेरा ऑफर लेटर आ गया। अच्छा, बताए मेरा एनुअल पैकेज 15 लाख का है। दिखाइए दिखाइए। लेकिन इतनी आसानी से इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल गई तुझे? अरे वो दी, मेरे एक दोस्त के भाई ने मदद की। वो पहले से यूएस में काम करता है, उसी के कॉन्टैक्ट्स मेरे काम में आ गए। और ये दोस्त का भाई कौन है, ये कहाँ रहता है? क्या दीदी, जब देखो तब तुम जासूसी करती रहती हो, हर बात पे शक, हर बात पे सवाल। रहने देना अंजलि, देखने हम सवाल तो होंगे ना, ये सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। सब ठीक हो रहा है दी। देखना, मैंने डिसाइड कर लिया, एक बार मैं सेटल हो जाऊंगी ना, फिर आप और दीदी दोनों वहां जाएंगे। अच्छा नेहा, बता तेरे फ्लाइट के टिकट्स और वीजा वो कैसे अरेंज हुआ? वो भी तूने अकेले किया या? बताया ना दी, मेरे दोस्त के भाई ने मेरी मदद की है। आपके बहू के टिकट्स और वीजा पेपर बना दिया है मैंने, जल्दी आ जाएगी, फोन करके बता देता हूं। हाय राजी। अच्छा सुनो, देयर इज अ गुड न्यूज, हमारे वीजा आ गए, मैंने परसों का टिकट बुक कर लिया। वाओ, फाइनली, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दिल्ली आ जाओ, मैं वही मिलता हूँ तुम्हें दिल्ली। अरे मुझे इतनी जल्दी से पैकिंग करनी पड़ेगी, अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो अच्छा होता। टेंशन मत लो, वही से सब कुछ खरीद लेंगे। अच्छा सुनो, तुम अकेली आ रही हो ना? नहीं, मुझे तो मम्मी और दीदी आएंगी दिल्ली ड्रॉप करने। खामखा उन्हें परेशान क्यों कर रही हो? उस दिन अंजलि दीदी ने देख लिया था तुम्हें मेरे साथ, वापस देखेंगे ना तो शक हो जाएगा। ये कौन है? तुम्हारी दीदी और मम्मी को, और मेरे मॉम डैड को, हम लोग एक साथ मिलवाएंगे। ठीक है, जल्दी आओ ना, आई मिस यू। हाँ आ रही हूँ बाबा, बाय। ये लो दी, मेरे यूएस के पेपर्स के सारे कॉपीज, आपने कहा था ना। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? ये खुशी और दुख दोनों के आंसू है। खुश हूँ, लेकिन नेहा तो हमसे कितना दूर जा रही है। अरे माँ, थोड़े वक्त की तो बात है ना, फिर आप और दीदी दोनों मेरे पास आ जाओगे ना। वाह नेहा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और सुन, वहां जाके हमें बराबर फोन करती रहे, तू इतना दूर जा रही है हमसे, बहुत फिक्र होगी तेरी। ख्याल रखना अपना। हाँ माँ, आप भी। चलती हूँ मैं, वरना लेट हो जाएगा। बोलो। कहो राजीव। मैं यहाँ लखनऊ में। मैं दिल्ली के होटल में आ गई हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था, तुम तक लखनऊ में ही हो? अरे वो क्या हुआ ना, वीजा के पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो मुझे लखनऊ वापस आना पड़ा। अब मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब क्या करें? तुम एक काम करो ना, तुम भी आ जाओ लखनऊ, पेपर सारे क्लियर होते ही हम यूएस के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है। तैयार हो जाओ, आपकी बहू आ रही है।
हाँ माँ, मैं फ्लाइट में बैठ गई हूँ, अब यूएस पहुँच के बात करूँगी। आ गई तुम नेहा? ओ राजीव, पहले मुझे तुम ये बताओ कि अगर पेपर्स में प्रॉब्लम आ गई थी तो तुमने मुझे मम्मी से झूठ बोलने को क्यों कहा? हम सच भी तो कह सकते थे ना। भी इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? कम या कम पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। 2 दिन बाद हम यूएस में ही रहेंगे। अब ये बात अगर तुम्हारे फैमिली को पता चल जाता कि अचानक से सब कुछ पोस्टपोन हो गया, हम अगर टेंशन में आ जाए। ऐसे फैमिली को टेंशन देना अच्छी बात है क्या? देखो राजीव, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद है, और खासकर अपनी फैमिली से। ठीक है ना पापा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और राजीव, हम यहाँ एक साथ कैसे रह सकते हैं? हमने डिसाइड किया था हम हस्बैंड और वाइफ की तरह शादी के बाद ही रहेंगे। ठीक है ना, फ्रेंड्स की तरह रह लेते, तुम एक कमरे में, मैं दूसरे कमरे में। माय कम ऑन। अच्छा सुनो, तुम्हें ना कुछ घंटों के लिए ये फोन ऑफ करना पड़ेगा। तुम्हारे फैमिली के मुताबिक तुम अभी फ्लाइट में हो, बस ये कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, किसे फोन लगा रहे हो माँ? अरे नेहा को, तुमसी तो सही कहाँ पहुंची है। माँ, वो ट्रेन से नहीं गई है, फ्लाइट से गई है, तो फ्लाइट में फोन बंद रखना पड़ता है। और वैसे भी अमेरिका जाने में लगभग 15 घंटे लगते हैं, अभी तो 12 ही घंटे हुए, उसका फोन बंद होगा। अरे नहीं, घंटी जा रही है। माँ का कॉल आ रहा है, क्या करूँ? क्या, मैंने तुम्हें कहा था ना फोन ऑफ रखने को, ऑन क्यों किया? सॉरी बाबा, गलती हो गई, पर अब बताओ तो सही कि करूँ क्या। अरे कट करो, फोन कट करो, अब मैसेज करो कि तुम पहुंच गई हो, तुम्हारा नंबर इंटरनेशनल रोमिंग पे है, और बाद में फोन करूंगी। अरे करो ना। माँ, उसका मैसेज आया है कि पहुंच गई है और इंटरनेशनल रोमिंग पर है, तो बाद में फोन करेगी। हाँ मैं लखनऊ में। अरे वाह, कहाँ रुकी है? वो एक दोस्त के घर पे। कौन सी फ्रेंड? अरे तू नहीं जान दी। अच्छा सुन ना, तू आज फ्री है तो मिलता है क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहाँ मिलना? अरे वो MG रोड पे कैफे है ना, उसके पास। ठीक है, डन। ओके फाइन, सी या। रजे, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या जरूरत है सबसे बात करने की, सबको ये बताने की कि तुम लखनऊ में हो? राजीव, तुमको ये क्या हो गया है? मेरा मन नहीं लग रहा था, सोचा अपने पुराने दोस्तों से मिल लेती हूँ। क्यों, काफी नहीं है तुम्हारे लिए कि अब दोस्तों की जरूरत पड़ गई? तुम कहाँ की बात को खा लेके जा रहे हो, और वैसे भी अब मैं किससे बात करूंगी किससे नहीं, वो तुम डिसाइड करोगे। समझ नहीं रही, पूरी दुनिया के लिए तुम अब यूएस में हो, लखनऊ में नहीं। देखो राजीव, अब मैं तंग आ गई, तुमने 2 दिन कहा था लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, हम कब जाएंगे यूएस? जा तो रहे ना, कल या परसों चले जाएंगे। ठीक है फिर, मैं मिल लेती हूँ अपने दोस्तों से। गुस्सा मत करो। अच्छा एक काम करते, मेरे साथ एक कॉफी पी लो, ठीक है? फिर चले जाना जिससे मिलने। ठीक है, मैं अभी कॉफी लेके। फ्रेश हो जाओ।
अंजलि, अगर ज्यादा देर ना हुई हो तो एक बार नेहा से बात करवा। माँ अभी तो बिल्कुल सही टाइम है नेहा को फोन करने का, क्योंकि यूएस में अभी दिन हो रहा हो तो जल्दी फोन लगाना। जब से यूएस गई तब से एक बार भी बात नहीं, पूछो तो सही कैसी है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हिंदी में क्या? माँ नेहा का फोन स्विच ऑफ है लेकिन रिकॉर्डेड मैसेज हिंदी में आ रहा है। मैं समझी नहीं। माँ नेहा यूएस गई है तो रिकॉर्डेड मैसेज इंग्लिश में आना चाहिए, तो हिंदी में आ रहा है। माँ कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? क्योंकि तुम मुझे छोड़ के अपने फ्रेंड को मिलने जा रही थी। राजीव छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए यहाँ पे थोड़ी बुलाया मैंने। तुम भी क्या हो गया? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। माँ वो नेहा के डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल थी ना, वो कहाँ है? वो टीवी वाले ड्रॉअर में रखी है। पर बात क्या है अंजलि, उसकी जहाँ जॉब लगी है मैं उनको फोन लगा रही हूँ। हेलो, या हाय, एक्चुअली आई वांटेड टू इंक्वायर अबाउट माय सिस्टर। राज, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। जबरदस्ती? इसे जबरदस्ती थोड़ी कहते, हम हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं ना। तो ये सब करने तुमने मुझे बुलाया था? अब तो मुझे शक हो गया कि तुमने मुझसे जो भी कहा है सब झूठ कहा है। सच क्या है राजीव? राजीव छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे राजीव। क्या हुआ अंजलि? हाँ, ऑफर लेटर में जो नंबर लिखा था वो किसी होटल का नहीं है, एक लोकल स्टोर का है। क्या? तो नेहा ने हमसे झूठ क्यों बोला? तो पता नहीं माँ, उसने बताया था उसके किसी दोस्त के भाई ने सब कुछ अरेंज किया था। माँ कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई ना वो? देखिए, हमने नेहा शर्मा के पासपोर्ट की डिटेल्स निकलवाई पर उस पासपोर्ट पर किसी ने ट्रबल नहीं किया। क्या? क्योंकि नेहा के मोबाइल को ट्रैक करने के बाद पता चला है कि वो दिल्ली तो गई थी जैसा कि आप लोगों ने कहा है, पर वो वहां से यूएस नहीं गई बल्कि वो लखनऊ गई। लखनऊ? जी हाँ, क्योंकि नेहा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन लखनऊ ही बता रहा है, उसके बाद नेहा का मोबाइल बंद आ रहा है। वैसे आप लोगों का लखनऊ में कोई जान पहचान वाला है? सर वो लखनऊ में पढ़ाई करती थी लेकिन उसका कोर्स तो कब का खत्म हो गया, फिर लखनऊ क्यों जाएगी? सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आप प्लीज पता करिए कहीं नेहा किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। देखिए आप लोग घबराइए मत, हमने लखनऊ पुलिस के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है, कुछ भी अपडेट होगा हम आपको तुरंत बताएंगे। आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नेहा मिल जाएगी, हम दोनों खुद चलेंगे उसे लखनऊ ढूंढने, ठीक है? हम नेहा के मोबाइल लोकेशन के बारे में पता कर रहे हैं, फिलहाल उसकी कॉल डिटेल्स आ चुकी है। उसकी आखिरी बार बात उसकी दोस्त शिल्पी से हुई है और वो यहीं लखनऊ से है, इसलिए हमने उसे थाने बुलाया है। शिल्पी, आप नेहा को कैसे जानती हैं? सर हम दोनों कॉलेज में साथ थे। उस दिन नेहा से जो फ़ोन पे बात हुई थी, क्या बात हुई थी? मुझे उसका कॉल आया था, कह रही थी कि किसी फ्रेंड के घर पर रुकी है। दोस्त का नाम बताया? नहीं सर, मैंने पूछा था बट उसने बताया नहीं। और क्या बात हुई? और कुछ नहीं, वो मुझे मिलने बुला रही थी। कहाँ मिलने बुला रही थी? MG रोड के कोई पास वाले कॉफ़ी शॉप पर। अच्छा ये बताइए, जब आपकी नेहा से बात हो रही थी उस वक्त ऐसा लगा कि वो घबराई हुई थी? नहीं सर, वो बहुत नॉर्मली बात कर रही थी। मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए, कुछ भी कीजिए पर मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए। जब से वो गई है तब से उसकी कोई खबर नहीं, ना ही उससे बात हुई है। और मेरा दिल चाहता है कि वो जरूर किसी मुसीबत में है।
पापा, कैसे हो आप दोनों? अच्छा, आप लोगों ने अपनी बहू को देखा, कैसी लगी? अच्छी है ना? हमारी जोड़ी जम रही है ना? अब तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोगों से जल्दी मिलवाऊंगा, उसे वहां तो नहीं भेज सकता ना जहाँ पे आप लोग हैं। उसको पता ही नहीं कि आप लोग कहाँ पे, उसे लगता है कि आप लोग यूएस में। कैसे बताओ कि आप लोग यूएस में नहीं, कहीं और ही हो, है ना? आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं और अभी भी मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। आप लोगों ने कभी मुझे इतना प्यार किया ही नहीं। देखो, मैंने आप लोगों से वादा किया था ना कि आप लोगों से मैं मिलने आते रहूंगा, आया ना मैं? खाम खा ना आप लोग मुझे नालायक बोलते थे। मैं आपका काबिल बेटा, खोलने में मदद कर दो। किसका फोन था अंजलि? पता नहीं, मैं दोबारा किया तो स्विच ऑफ आ रहा। तुम्हें पता है ना तुम मुझसे भाग नहीं सकती। राजीव प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। अबे कैसे जाने दो, तो बहुत लेट हो गया ना, अब तो तुम्हें मेरे मम्मी पापा के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। राजीव सर, कुछ पता चला? नेहा के मोबाइल लोकेशन के बारे में पता चला है। उसकी आखिरी लोकेशन एमजी नगर है। सर फिर तो अभी नेहा मिल जाएगी ना? देखो अंजलि, एमजी नगर बहुत बड़ा है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मिल सकती, हमें वहां जाकर ढूंढना होगा। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? ये कौन है? अरे कोई नहीं दी, शहर में नया है। एक्सक्यूज मी, आपने पहचाना मुझे? मैं नेहा की बहन। I'm sorry, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया। हम करीब महीना भर पहले मिले थे, आप शायद रास्ता भटक गए थे और फिर आपने नेहा को बस स्टेशन तक छोड़ा था। यस, याद आ गया। अब कैसी आप? वो एक्चुअली नेहा लापता है और 4 दिन पहले वो लखनऊ में ही थी, पर अब उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और उसकी अभी की लोकेशन यही बता रही है, पुलिस भी उसको ढूंढ रही है। आपने उसको देखा है क्या? एक्चुअली क्या है ना, उस दिन के बाद मैं उसे कभी मिला नहीं। आप चिंता मत कीजिए, आपको मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो ना, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, आप एक काम करिए ना, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आपको कुछ भी पता चलता है ना तो मुझे बताइएगा। 6639894141, आप मुझे मिस कॉल कर दीजिए। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं
फोन अपना घर पे भूल गया। तो आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगी और फिर आप बाद में सेव कर लेना। हाँ लिखिए, इट्स 9967277। मैंने कॉल कर दिया है आपको, आप सेव कर लेना और कुछ भी पता लगता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, यू टेक केयर। ये तो वही नंबर है जिस मिस कॉल आया था मुझे। ऑटो ऑटो ऑटो, चलिए वो गाड़ी का पीछा करिए। हेलो जी सर, जी जी हमें आपकी घर की तलाशी लेनी। किस सिलसिले में? इन्हें शक है कि आपने इनकी बहन को अगवा करके घर के अंदर रखा है। इंस्पेक्टर साहब, इनको कोई गलत फहमी हुई, वो तो हम पता कर लेंगे। गोपी तलाशी लो। सर कुछ नहीं मिला। देखिए मैं आपकी बहन से एक बार मिला था, मैं उसे अगवा क्यों करूंगा? सर सर आप ये सेल्फी देखिए, इसके पीछे जो खिड़की है वो इसी घर की है। देखिए मैडम, एक तो बिना सर्च वारंट के इनके घर की तलाशी ली है और आपकी बहन नेहा मिली भी नहीं, और ऐसी खिड़की तो किसी भी घर में हो सकती है। लेकिन सर मुझे कॉल आया था इनके नंबर से, वो मिस कॉल हो गया था। तो क्रॉस कनेक्शन भी हो सकता है राइट? देखिए मैडम, आपके शक के आधार पे इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इनकी बहन ने एक बार मेरी मदद की थी रास्ता ढूंढने में, अगर मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो तो मैं अवेलेबल हूँ, कहीं भी कभी भी मैं कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यकीन मानिए मुझे नेहा के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी बहन तो बहुत बहादुर है, पुलिस को लेकर यहां तक पहुंच गई, लेकिन तुम तक पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि तुम अब जा रही हो मेरे मम्मी पापा के पास। चले
मम्मी पापा से मिलवाता, तुम इससे पेश आना। चलो बिस्तर तैयार है। मम्मी पापा को प्रणाम करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बिछड़ के दुख होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने आप से आजाद कर रहा हूं। आज से तुम इन्हीं के साथ रहोगी। देखो देखो वो लोग कितने खुश हैं। अच्छे से रहना, सेवा अच्छे से करना। लेकिन ना बहुत जिद्दी हो, पीछा करते करते यहां तक आ गई। पर फिक्र मत करो, तुम्हें भी मैं तुम्हारे बहन के साथ ही सुलाऊंगा। अभी अभी दफना है, वो भी जिंदा। हो सकता है सांसें चल रही हो, लेकिन मैं ना तुम्हें जिंदा नहीं दफनाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करता। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद दफनाऊंगा। यादव जाके देखो। अंजलि ने सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस और अपनी मां को पहले से सूचित कर दिया था जब वो राजीव का पीछा कर रही थी, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद नेहा को बचाया नहीं जा सका। जीवन में हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारा परिवार होता है, परिवार के सदस्य होते हैं जो हमारे अच्छे बुरे हर पल में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमें अपने परिवार से छुपाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, और नेहा ने यही गलती कर ली। प्यार में अंधी हो चुकी नेहा ने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अपने परिवार से झूठ बोली। राजीव के सच को अपने परिवार से छुपाने का खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। जुर्म से जंग की एक और नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।